Hello guys, welcome to Tech Study Time. My name is Priyanka Verma. I am going to start with the current affairs of 30th April 2019. चलते हैं previous day की fast revision पे. ये हैं previous day के questions. अगर आप इन questions की detailed explanation देखना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए I button पर click कीजिए. और ये current affair की video आने वाले government exam के लिए helpful रहने वाली है. अगर कोई current affair से update रहना चाहता है, वो भी इस video को जरूर देखे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। क्वेश्चन नंबर वन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ अ पैनल फॉर्म्ड बाय सीपीडब्ल्यूडी टू फॉर्मुलेट अ डिजाइन पॉलिसी फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन? आंसर इज एम के शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Indian Army has signed an MOU with which company for construction of tunnels on border with China and Pakistan? Answer is NHPC. Next question, which bank has launched the life insurance product Web Assurance in the collaboration with its insurance partner for bank customers? Answer is Canara Bank. Next question, name the player to win the Outstanding Achievement as a Player Award at the annual India Golf Industry Association Award 2019. Answer is Gaganjeet Buller. Next question, Abhishek Verma is an Indian player related to which sport? Answer is shooting. Next question, who will head the 13-member committee constituted by IRDAI to review the regulatory framework on microinsurance? Answer is Suresh Mathur. Next question, Microsoft has become the third US company to cross the $1 trillion market cap. Which is the first company to do so? Answer is Apple. Next question, who is appointed as the technical director by AIFF? Answer is Doru Isak. Next question, under what species does the newly identified 90 million year old crab fall? Answer is Calicimaira perplexa. Next question, when is the World Veterinary Day celebrated? Answer is 28th April. Next question, which city has been declared the 2019 World Book Capital? Answer is Saja. So, ये थे हमारे previous day के questions. चलते हैं आज की current affairs पे. Question number one, who becomes the first woman zonal manager of LIC? Answer is Mini Ippi. Mini Ippi जो हैं, वो first woman zonal manager बनी है LIC. और ये बनी है South Central Zone की. इससे पहले इन्होंने Executive Director International Operations of LIC में work किया है. अब बात आती है LIC की, तो LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई में और LIC की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 सितंबर 1956 में और LIC की टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू न्यू बर्ड स्पीशीज नेम्ड एज वाकाटोबी व्हाइट आई एंड वांगी वांगी व्हाइट आई हैज बीन फाउंडेड इन विच कंट्री? आंसर इज इंडोनेशिया. ट्रिनिटी कॉलेज डुबलिन के जो जूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये दो स्पीशीज डिस्कवर की है जिसका नाम है वांगी वांगी व्हाइट आई एंड वाकाटोबी व्हाइट आई और ये डिस्कवर किए हैं इंडोनेशिया में. ये जो व्हाइट आईज की स्पीशीज है, ये बहुत ज्यादा फास्टली ग्रोइंग है बाकी के बर्ड से. अब बात आती है इंडोनेशिया की. इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेडल्स वॉन बाय इंडिया इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019? आंसर इज 13 मेडल्स. इंडिया ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में जीते हैं 13 मेडल्स. उसके अंदर 2 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज है. और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ये हुई थी बैंकॉक में और इनमें से 2 गोल्ड मेडल मिले हैं. एक तो मिला है पूजा रानी को और दूसरा मिला है अमित पंगाल को. नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट से लालचंद हिमा हु हैज बीन अवार्डेड द कंपैशनेट किड अवार्ड बाय पीटा इंडिया हिल्स फ्रॉम विच स्टेट? ये 6 साल का बच्चा साइकिल चला रहा था और साइकिल चलाते चलाते उसके आगे एक चिक आ गई थी. चिक यानी कि मुर्गी का बच्चा आ गया था और उसको चोट लग गई थी और ये बच्चा उस चिक के साथ 10 रुपए का नोट लेके आया हॉस्पिटल में और ये फोटो काफी वायरल हुई और पीटा ने इस बच्चे को कंपैशनेट किड का अवार्ड दिया है. पीटा की फुल फॉर्म होती है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, When is the World Day for Safety and Health at Work celebrated? Answer is 28th April. World Day for Safety and Health at Work, ये हर साल मनाया जाता है 28 अप्रैल को और ये मनाया जाता है to raise the awareness for promoting safe
हेल्दी एंड डिसेंट वर्क, और 2019 में इसकी थीम रहेगी सेफ्टी एंड हेल्थ एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्स बप्पा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हैज टाइड अप विद बैंक टू लॉन्च एनी टाइम हेल्थ मशीन्स. आंसर इज HDFC बैंक. HDFC बैंक एंड मैक्स बप्पा इंश्योरेंस कंपनी ने मिलकर लॉन्च की है एनी टाइम हेल्थ मशीन. और ये एनी टाइम हेल्थ मशीन ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडल है, और ये कस्टमर्स को अवेल करवाएगा हेल्थ असेसमेंट, और इससे कस्टमर पॉलिसी को बाय भी कर सकते हैं विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन. और फर्स्ट फेज में 15-20 एनी टाइम हेल्थ मशीन इंस्टॉल की जाएगी HDFC बैंक में अक्रॉस मल्टीपल सिटीज. फेज वन में 15-20 ATH मशीन इंस्टॉल की जाएगी HDFC बैंक के ब्रांचेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ द मैन सिंगल टाइटल एट द 2019 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप. आंसर इज केंटो मोमोटा. 2019 के बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में मैन सिंगल टाइटल के विनर बने हैं केंटो मोमोटा. और 2019 की बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप ये हुई थी चाइना में, और ये हुई थी 23 अप्रैल से 28 अप्रैल तक. केंटो मोमोटा जो कि जापान से हैं, और इन्होंने हराया था शी युकी को, और शी युकी वो थे चाइना से. नेक्स्ट क्वेश्चन, पनगाम खनन हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फॉर्मर प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट. आंसर इज फुटबॉल. पनगाम खनन जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो चुकी है, और ये लंबी बीमारी से पीड़ित थे, और इनकी 80 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो चुकी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has won the men's single title at the 2019 Kunming Tennis Open? Answer is Jack Clark. 2019 Kunming Open जो कि हुई थी चाइना में, और ये हुई थी 15 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक, और ये एक प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट था, और इसमें मैन सिंगल टाइटल जीता है जेक क्लार्क ने, और जो कि थे यूनाइटेड किंगडम से, और वुमेन सिंगल टाइटल जीता है जैंग साइसाई ने जो कि थे चाइना से. नेक्स्ट क्वेश्चन, Who claimed the London Marathon 2019 title? Answer is Kenyan Eliud Kipchoge. Fourth London Marathon 2019 में विनर रही हैं Kenyan Eliud Kipchoge. और ये मैराथन हुई थी 28 अप्रैल को, और ये हुई थी लंदन जो कि है यूके में, और वुमेन सेक्शन में जीती हैं ब्रिगेट कॉसगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड सेकेंड बेल्ट एंड रोड फॉर्म इन बीजिंग. आंसर इज चाइना. चाइना कंट्री ने होस्ट किया है सेकेंड बेल्ट एंड रोड फॉर्म जो कि हुई थी बीजिंग में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड सेकेंड बेल्ट एंड रोड फॉर्म इन बीजिंग. आंसर इज चाइना. चाइना कंट्री ने होस्ट की है सेकेंड बेल्ट एंड रोड फॉर्म जो कि हुई थी बीजिंग में, और इसमें 37 हेड ऑफ स्टेट्स एंड 159 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और इसके साथ ही यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गटरेस और IMF के चीफ क्रिश्चियन लगाड़े ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. और इस इवेंट की थीम रही थी बेल्ट एंड रोड कॉर्पोरेशन शेपिंग अ ब्राइटर शेयर्ड फ्यूचर. अब बात आती है चाइना की. चाइना के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, और चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, और चाइना की कैपिटल है बीजिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द बार्सिलोना ओपन 2019 चैंपियनशिप. आंसर इज डोमिनिक थीम. डोमिनिक थीम ने बार्सिलोना ओपन बैंक साबाडेल 2019 का टाइटल जीता, और ये हुई थी स्पेन के अंदर, और ये हुई थी 22 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक. अब बात आती है स्पेन की. स्पेन की करेंसी है यूरो, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड. ये था हमारा कल का क्वेश्चन. कल हमने पूछा था विच एयरवेज बिकम फर्स्ट मेजर एयरलाइन टू ऑपरेट प्लास्टिक फ्री फ्लाइट, तो इसका आंसर था इतिहाद एयरवेज. आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हु विंस एशियन स्नूकर टूर टाइटल. ऑप्शन फर्स्ट इज बाबर माचिस, ऑप्शन बी इज आदित्य मेहता, ऑप्शन सी इज पंकज अडवाणी, ऑप्शन डी इज मई एक्सिविन. सो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन.